डिप्रेशन तो एक ऐसी बीमारी है ना हमारे इंडिया में कि किसी को मतलब इस चीज से लोग बोल देते हैं कि ये तो पागल है। हर तरफ घंटे घंटे बंद हुए हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी हिंदी। तो ये है वो सैनिक स्कूल, एक तो होती बाल मिठाई, एक होती सिंगौड़ी। मस्त सोने में। तो नमस्कार सभी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल और ये है वो व्हील्स जिनके थ्रू मैं आया हुआ था अल्मोड़ा, जो कि आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में। अब यहां से निकल रहे हैं और निकलने से पहले एक बहुत फेमस मिठाई होती है, एक तो होती बाल मिठाई, एक होती सिंगौड़ी। तो सिंगौड़ी लेंगे, वो बनती है पत्ते की शायद, और यहाँ पर बहुत फेमस एक शॉप है खीम सिंह मोहन सिंह करके, बहुत ज़्यादा फेमस है वो, तो वहाँ से लेंगे। अभी के लिए यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। ये है होटल जहाँ हम हमेशा रुकते हैं, होटल सवॉय। अगर आप कभी भी स्टेट आओगे तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे स्टे करके देखना। चलते हैं पहले खीम सिंह मोहन सिंह, और भैया से ही लिए स्कूटी, वहाँ लेके जाएंगे गाड़ी। तो फालतू का वहाँ पे होता है वन वे, है ना भैया? बिल्कुल वन वे होता है। इससे अच्छा फिर स्कूटी जाएंगे, उल्टा जाएंगे, स्कूटी छोड़ेंगे फिर निकलेंगे। हरीश भैया यहाँ पे ये मिलेंगे जब भी आओगे, और ये बहुत ही अच्छी आपको देंगे हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छी सर्विस देंगे। हमेशा इसलिए इनके पास ही आते हैं। अब तो भैया से दोस्ती यारी हो चुकी है, घर जैसा। भैया को कल फोन किया तो भैया ने बोला आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। तो आप भी आके भैया से मिलना, भैया का नाम है हरीश। तो इसलिए अब घूमेंगे थोड़ा सा अल्मोड़ा में स्कूटी पे, मोटर ब्लॉगिंग। ये है वो फेमस खीम सिंह मोहन सिंह रोतेला जी की शॉप, जो मेन रोड है अल्मोड़ा की, जो बिल्कुल मेन जहाँ पे वो है बाजार, वहाँ पर ये शॉप है। यहाँ से लेते हैं मिठाई। कितने की है? 180। पर वहीं की भीड़ भी कितनी लगी हुई है, अच्छी खासी भीड़ रहती है हर समय। तो बहुत फेमस है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा फेमस। पहले हम लेके गए थे बाल मिठाई, बट बाल मिठाई हर जगह ही मिलती है, तो ये वाली मिठाई कुछ अलग है। एक्चुअली है सिंगौड़ी, बट इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे बाद में। पर वैसे ये ठीक रहती है दो दिन तक, मतलब दो दिन तक खराब नहीं होती है बिना फ्रिज के भी। उसकी अनबॉक्सिंग बाद में करेंगे। और ये है अल्मोड़ा का एकमात्र मॉल जिसमें ऑलमोस्ट काम की सारी चीज़ें हैं, तो नाम है रघुनाथ सिटी मॉल। ये मेरे फ्रेंड का एक जिम ऊपर, बट अभी उससे बात की थी तो वो सो रखा है, फिर कभी दोबारा आएंगे तो तब उसकी जिम दिखाएंगे और उसका ब्लॉग बनाएंगे फिर। बट अभी तो अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो ये मुझे रास्ते में काफ़ी सही चीज़ दिखी है, ऐड लगा हुआ है कि आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो कृपया कॉल करें, क्योंकि डिप्रेशन तो एक ऐसी बीमारी है ना हमारे इंडिया में कि किसी को मतलब इस चीज़ से लोग बोल देते हैं कि ये तो पागल है। तो मैंने पहली बार देखा, आज तक देखा इससे पहले, वरना हमेशा देखे हैं कि नशा मुक्ति के किसी भी चीज़ के, बट ये फर्स्ट टाइम देखा। अल्मोड़ा से निकले, अल्मोड़ा से जो खैरना का रास्ता है ना, रास्ते में पड़ता है एक जगह खैरना, और ये रोड इतनी गंदी है ना, मतलब रोड तो है ही नहीं, गड्ढों में वो बन गया रोड। देखो क्या हालत है, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे, हर तरफ काम चल रहा है, हर तरफ ऐसे गड्ढे हैं, तो इसलिए कोई स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही कॉन्स्टेंट। बट एक बात मानने वाली है, हमेशा की तरह मेरा भाई ऐसे खड्डों में भी हिलता डुलता बेल्ट लगा के सो रहा है मस्त, हमेशा की तरह। चलते हैं आगे। उससे पहले भी कुछ प्लान है हमारा रुकने का रास्ते में भोवाली में, पहले पहुँचते हैं भोवाली तब बताता हूँ आपको प्लान क्या है। देखो यहाँ काम चल रहा है तो रास्ता बन तो रहा है, बट जब तक नहीं बनेगा तब तक हाल खराब ही है। मतलब मेरे तो भूख लगी नहीं थी ऐसा, बट अब भूख लग गई और ज़्यादा, और सर भी दर्द हो गया, इतना गंदा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात रास्ता है। बट भाई अपना जो है कोई मतलब नहीं है, मस्त सोने में। अभी कहीं खाने के लिए रुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है वो दिखाता हूँ आपको, बहुत सही बनाया है उन्होंने। बट उससे पहले जो मैं बात कर रहा था डिप्रेशन वाली, वो बात में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब एक बात मैंने बहुत नोट करी है कि मतलब हमारे इंडिया में मेनली जब किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को चोट लग गई या किसी को कुछ बीमारी होगी, तब हम कंसर्न होते हैं कि भाई चलो देख के आते हैं, पूछते हैं कैसे हाल है, कैसी तबीयत है। बट जब बात आती है कि कोई डिप्रेस है या नहीं, तुम कर लो पहले, कर लो। जब बात आती है कि इंसान डिप्रेस है या नहीं, तो उस बारे में कोई बात नहीं करता। मेरा कहना ये है कि अपने आसपास के जो फैमिली दोस्त या जो भी तुम्हारे जानकार हैं, उसे पूछना चाहिए कि आप कहीं डिप्रेस तो नहीं हो, आपके हालचाल सही हैं, कोई सी बात से कोई दिक्कत परेशानी हो। ये भी अपने आसपास वालों के हालचाल पूछते रहने चाहिए, कि ये भी बहुत बड़ी बीमारी जिसको हम करते हैं निगलेक्ट। अब फिर कुछ खाते हैं, और खाने का प्लेस है ये, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा हमें, यह है रूफ टॉप फूड लैंड। एक ट्रक पे छोटे वाले जो मिनी ट्रक होता है, वहाँ भैया ने लगाया ऊपर बैठने का, तो ये मस्त लगा बहुत देखने में। तो यहाँ कुछ खाते हैं, तो बनवाया नींबू पानी, और इसका देखो साइज, ये है नींबू का साइज हमारे यहाँ कितने में मिलते हैं, और नींबू इतने महंगे रखे तो फिर बहुत ही महंगा आता होगा, ये तो मेरे ख्याल से होगा 1 करोड़ का। तो प्लान ये था कि हम जा रहे थे सितारगंज, रास्ते में बढ़ती एक जगह भोवाली,
और भवाली में है एक मंदिर, उस मंदिर में मैं पहले भी गया हूँ, बट वो वाला मंदिर था अल्मोड़ा का। उस मंदिर का नाम है गोलू देवता मंदिर, और पहाड़ी भाषा में बोलते हैं गोलजू देवता। क्या हुआ आप? मैंने सुबह सर्च किया था तो मेरा मन था जाने का, क्योंकि इस मंदिर और इन देवता की बहुत मानता है, और यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से, और वो यूनिक तरीका है एक चिट्ठी लिख के। तो अल्मोड़ा के ऊपर भी एक ऐसा ही मंदिर है और यहाँ पर भी है ये देवता, तो इसलिए मेरा मन भी था, और मैंने उसका व्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर चलते हैं, सुयश को बोला तब फिर यहाँ पर आए हैं। जस्ट अभी देखा कि वीडियो थोड़ी ब्लर आ गई है, बट कोई नहीं, चलो इतना तो आपको सहन करना पड़ेगा। और यहीं पर है देखो सैनिक स्कूल, देख पा रहे होंगे आप, सैनिक स्कूल भी है यहाँ पर, और इसके ही सामने इधर आई गेस यहाँ से रास्ता है मंदिर का। अभी फाइंड आउट करते हैं कि रास्ता यहीं से है क्या। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जब हम मेन रोड पे थे वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इतनी वहाँ से लग रही है, ऐसा लग रहा था कि इतनी हाइट पे नहीं होंगे, बट जैसे से ऊपर आए हम ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाइट पे आ चुके होंगे। ये वाला व्यू देखो कितना खतरनाक आ रहा है। यहाँ से इतना ऊपर आ गए हम कि वो दिख रहा ताल, वो है भीमताल, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। इनफैक्ट ठंड भी बढ़ गई एकदम से। एक पीछे से भी थी, वहाँ से हम निकलेंगे, और यहाँ पर है शॉप सारी, यहाँ से मिलता है प्रसाद। और एक मानता और है यहाँ की कि जो घंटी आप देख रहे होंगे, लोग क्या करते हैं कि अपनी मन्नत मांगने के लिए एक घंटी बांधते हैं, और साथ में जो मैंने बताया एक चिट्ठी पे लिखते हैं अपनी मनोकामना। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और इस चीज़ की बहुत मानता है, तो हम भी करते हैं भाई, हम भी ढूंढते हैं पेपर और पेन, तब जाते हैं अंदर। देख लिया हिंदी में लिखा, इंग्लिश में या फिर इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी हिंदी में। मेरी हिंदी तो वीक है यार, कौन लिखता है यार? नहीं, वो तो बात सही, पर मेरी हिंदी वीक है ना, इंग्लिश में लिखते। पर अगर मेरी मन्नत पूरी ना हुई तो ये जुगाड़ कर रहा है पेन का पेपर का, अब लिखते हैं अपनी मनोकामना। लिख लिया अपनी मनोकामना इसमें, हालांकि थोड़ी मेरी हिंदी वीक सी है, मतलब बोलने में नहीं ऑब्वियसली, लिखने में बात भी गलत है कि बचपन से इंग्लिश पे ध्यान दिया जा रहा है आजकल स्कूल्स में, और हिंदी पे इतना ध्यान देते हैं जो गलत है। तो होपफुली जो हमारे गोलू देवता हैं वो छोटी मोटी जो मात्रा ही गलती होगी उसको कर देंगे इग्नोर, और मेरी मनोकामना भी सुन लेंगे। चलते हैं ऊपर। तो देख पा रहे होंगे कि हर जगह घंटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ भी सब लोगों ने बांधी हुई हैं। ऐसा लग रहा होगा देखने में कि ये कोई पोल है, दूर से पोल नहीं है, ये घंटिया बांधी हुई सबने अपनी मनोकामना के लिए। देखो ये टंगी है वो सारी अरदास मनोकामनाएं जिनकी मैं बात कर रहा था, देखो यहाँ बांधे हुए सबने अपनी मनोकामना लिख के, इनकी बात कर रहा था मैं। मनोकामना की पर्ची बांध दी है, अब मंदिर घुमाता हूँ आपको थोड़ा सा और। अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हिसाब लगाया जाए तो कोई गिनती नहीं है घंटे की, क्यों है ना, हर तरफ घंटे घंटे बंधे हुए हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डिजाइन, पोल्स जो है उन पर घंटी बंधी हुई है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर गिनती का हिसाब लगाया जाए तो कितनी घंटी होंगी। तो इतनी मानता है इस मंदिर की और जो गोलू देवता है उनकी। ये है वो सैनिक स्कूल, अभी तो बंद है तो बाहर से दिखा पाऊंगा, और ये था वो दूसरा रास्ता आने का नीचे, जहाँ से हम नीचे आए हैं। ये थे गोड़ा खाल गोलजू देवता, उनके दर्शन काफ़ी अच्छा लगा के यहाँ पे, और काफ़ी शांति भी है। आई वुड सजेस्ट आप सबको कि आप सब आना, मैं तो यही बोलूँगा आपको।